पति पत्नी में आपसी मतभेद है, पत्नी पहुंच गई है कोर्ट और बोल रही है कि मुझे चाहिए मेंटेनेंस क्योंकि मेरे पास ना तो नौकरी है, ना तो मेरे पास पैसा है, ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, और वो भी बाहर जाकर दूसरों से बात करती है या एडल्ट्री में है। तो ऐसे में पति एक बात तो सोचेगा कि काश पत्नी का कॉल रिकॉर्ड या कॉल स्टेटमेंट मिल जाए और उसके अकाउंट के बारे में पता चल जाए। तो आपको बता दूं कि जी हाँ, आप भी पत्नी का कॉल रिकॉर्ड और अकाउंट स्टेटमेंट कोर्ट में शो कर सकते हैं या मांग सकते हैं या ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं और किस तरह से, ये आपके केस में काफी हेल्प करता है जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी अपनी पत्नी की कॉल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट निकलवाना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी होगी। ऑर्डर 16 रूल 7 रीड विद सेक्शन 151 सीपीसी की। यह एप्लीकेशन लगाकर पत्नी के कॉल डिटेल्स और बैंक स्टेटमेंट्स निकलवाए जा सकते हैं। इससे एक बात तो क्लियर हो जाएगी, आप कोर्ट के सामने शो कर सकते हैं कि इसके जो बैंक स्टेटमेंट में है, अगर वो जॉब करती है तो वहां पे भी पैसा आता होगा या बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, महीने का कितना आता है कितना जाता है, उसमें सारा डिटेल्स आ जाएगा। ऊपर से वो किसको फोन करती है तो वहां पे भी कितने फोन किसको गए हैं ये भी आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको कोर्ट केस में जरूर सपोर्ट करता है अगर पत्नी कुछ छुपा रही है तो। इस एप्लीकेशन से सिविल और मैट्रिमोनियल दोनों ही केसेस में आप डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रिमिनल केस है और 125 का केस है तो कैसे करेंगे? तो आपको 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, आपको उससे भी कॉल डिटेल्स मिल जाएंगी, स्टेटमेंट मिल जाएंगी। तो आपको कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा। आप भी अगर कोई चीज आपको लगता है कि पत्नी छुपा रही है तो कोर्ट के सामने जरूर लाइए ताकि आपका केस मजबूत हो जाए। फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। इसी तरह से आपका योगदान हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद।